नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के बारे में। जी हाँ, यूएई के बारे में कि भाई दुबई यूएई सरकार ने एशियन कंट्रियों के लिए, खास तौर से दुबई जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बंगाल, भूटान जो भी ये कंट्रियां हैं, एशियन आती हैं 1300 द कंट्री, इन कंट्रियों को बैन करके क्यों रखा था, इसका रीज़न क्या था। जी हाँ, आप सबको पता है कि जब जो सरकार जो बोलती है कि ये हमारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद में आपकी कंप्लीट, आपने बोला होगा ना मई में या फिर अप्रैल में कि भाई इंजेक्शन दोनों होने चाहिए, रिपोर्ट यहाँ करवाओ, इंडिया में करवाओ, दुबई में करवाओ, फिर 15 दिन बाद में कराओ, 48 घंटे की वगैरह वगैरह जो सब कुछ था आप कर रहे थे, उसके बावजूद भी बैन करके क्यों रखा। जी हाँ, इसका एक अच्छा रीज़न आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, वो यूएई सरकार की सोच थी और ये रीज़न मिल गया भाई कि कारण का पता लग गया कि ये बंद करके क्यों रखा था और उनकी सोच क्या थी और उनकी आगे की प्लानिंग क्या है। बैंकर प्लानिंग है भाई, जो दुबई है ना, ये चाहता है कि हम जो भी करें वर्ल्ड में नंबर वन करें, और इसीलिए दुबई के जो भी प्रोजेक्ट है ना, देख सकते हैं आप कि नंबर वन ही है, सच्चाई की बात है। बुर्ज खलीफा, जो 7 स्टार होटल वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड में नंबर वन है, जो कोई नहीं कर सका। जी हाँ, और यही अभी वे का जो शेख हैं राष्ट्रपति, उनकी सोच यही है कि भाई हम जो भी करें नंबर वन ही करेंगे। इसीलिए मैं बता दूं, वे की ने देखिए कल की डेट में एक न्यूज़ आपने भी देखी होगी, वे का जो राष्ट्रपति है उन्होंने एक प्लान 100% सिक्योर वाला एक प्लान दिया है, आपको पता है नंबर वन बना है। जी हाँ, यू आर स्पेशल, इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको टारगेट किया गया है, उनको अच्छी फैसिलिटी उनकी तरफ से दी गई, योजना की शुरुआत कर दी है, बड़े बड़े लोगों को उसमें फायदा होगा। आपको पता है एक्सपो 2020 आगे आ रहा है और यूएई सरकार ये चाहती है कि हमारा देश सबसे सुरक्षित देश माना जाए कोरोना के मामले में, ताकि विदेशी लोग विदेशी लोगों के माइंड में ये बात डल जाए कि आज के टाइम में यूएई है ना एकदम बेस्ट कंट्री है और सुरक्षित कंट्री है कोरोना के मामले में भी और भी मामले में, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा निवेश वहीं जाए, और ये सच्चाई भी है भाई। और बता दूँ, यूएई का नंबर वन में नंबर आया है टीकाकरण के मामले में, कि टोटल हमारे पास जितने भी यहाँ पर लोग हैं सब वैक्सीनेट लोग हैं। जी हाँ, तो कोरोना के मामले में नंबर वन पहुंच गया है। जी हाँ, एक ग्लोबल बता दूं, 2021 मई में एक आंकड़े, मई तक के आंकड़े जारी हुए हैं 21 मई तक के, उसमें ग्लोबल फाइनेंस की एक इंटरनेशनल कोई संस्था है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें दुबई को नंबर वन बताया गया है। उसमें हालांकि 12-13 कंट्री और भी हैं, डिटेल से बताऊंगा। सुरक्षित देशों की गिनती में बताया गया है भाई, सबसे नंबर वन पे आता है आइसलैंड, उसके बाद में यूएई का नंबर है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश हैं। उसके तीसरे नंबर पे कतर है, चौथे नंबर पे सिंगापुर है, पाँचवें नंबर पे फिनलैंड है, छठे नंबर पे मंगोलिया है, सातवें नंबर पे नॉर्वे है, आठवें नंबर पे डेनमार्क है, और नौवें नंबर पे भाई कनाडा पहुंचा है। जी हाँ, दसवें नंबर पे न्यूजीलैंड है, और सॉरी 12वें नंबर पे बहरीन है, और उसके बाद में कुवैत 18 नंबर पे बताया गया है। जी हाँ, सऊदी अरबिया को 19वें स्थान मिला है, ओमान को 25वां स्थान मिला है। जी हाँ, यानी ये जो देश हैं उसमें यूएई सरकार ने एक प्लान पहले ही सोच रखा था कि हमारा देश सुरक्षा के मामले में नंबर होना चाहिए, और हो गया भाई, सुरक्षा के मामले में नंबर वन है। अब देखना विदेशी लोग जो इतना उनके पास पैसा बहुत है भाई दुनिया में, वो ये चाहते हैं कि इसको इन्वेस्ट कहाँ करें, तो उनकी नज़रें टिकेंगी किस पे, दुबई पे, वी पे, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट वहीं होगा। सरकार भी यही चाहती थी, यही उनका प्लान था, इसी वजह से इन देशों को कंट्रोल करके रखा गया था कि भाई इन वजह से विदेशी लोग जो यार पैसा कहाँ, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है, यूरोप कंट्रियों में, आपको सबको पता ही है, और वो ये माइंड में बात डल जाती है ना कि भाई यूरोपीय कंट्रियों की फ़्लाइट बंद है, इसका मतलब लोग नहीं आ जा रहे हैं, जो विजिटर मान लो, वर्कर मान लो, वो सब क्लोज हैं, तो कोरोना का कंट्रोल ऑटोमेटिक दिख रहा है, सामने दिखेगा ना, तो इस वजह से फिर यूरोपीय देशों के लोग, उनके पास मोटा पैसा, वो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे भाई, जिनके पास दो रोटी का जुगाड़ नहीं है वो रोटी की सोचता है, जिनके पास बहुत पैसा हो ना उसको नींद नहीं आती यार ये पैसा कहाँ डालें, इतना पैसा पड़ा है, तो वो माइंड लगता है उनका कि ये पैसा कौन से देश में डाला जाए, तो यूएई उनको अच्छा लगेगा अभी आने वाले टाइम पे, और 2030 तक देखना भाई यूएई की, सऊदी की ये प्लानिंग कर रहे हैं ना, ये हमारी सोच से 10 साल आगे चल रहे हैं, ये समझ रहे हो, और यही रीज़न था कि कम आंकड़े होने के बावजूद, पूरी शर्तें मानने के बावजूद भी हम लोगों की फ्लाइटें बैन करके रखी, ये इनडायरेक्टली एक मैसेज था, और ये मैसेज उनका सक्सेस हुआ, यूएई नंबर वन पहुंच गया। टीकाकरण के मामले में कि भाई हमारे टोटली लोग हैं वैक्सीनेट है, जी हाँ सबको टीका लग गया है, कोरोना का कोई चक्कर नहीं है, अब विदेशी लोग आओ हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, हम यूँ ऊपर जाएंगे, फिर ग्रोथ होगी। हालांकि इसमें देखिए फ्लाइटें चालू होगी तो
तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आप लोगों का भी फायदा होगा, क्योंकि अगर विदेशी इन्वेस्ट होता है तो बिजनेस में होगा, बिजनेस में होगा तो वहाँ वर्करों की जरूरत पड़ेगी, वर्करों की जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन फ्लाइट बंद रहने का यही एक रीजन था मोटा, मैंने आपको बता दिया। और अभी ये उनका एक्सपो भी एक सक्सेस करने का सबसे बड़ा रीजन है। अब लोग बोल रहे थे एक्सपो आ रहा है 2020 अक्टूबर सितंबर में होगा शायद वो, तो उसकी वजह से फ्लाइटें बंद करके रखी है। कौन है भाई, उसमें लोगों को इन्वेस्ट करने वाला भी तो चाहिए ना पैसा। इधर से आप लोगों को बंद करके रखा है तो यूरोपीय लोग आएंगे वहां पे, डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे, समझ गए बात को। तो चक्कर वो था ना, उनकी प्लानिंग थी एक बड़ी प्लानिंग, जो ये रिपोर्ट के माध्यम से मैंने बता भी दी। अभी उम्मीद है कि भाई 15 जुलाई तक उम्मीद है कि कुछ अपडेट आ जाए फ्लाइट से रिलेटेड। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।